हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक बार फिर चर्चाओं में हैं। इस बार वो किसी राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर नहीं बल्कि एक मरीज की जान बचाने के मामले में सुर्खियां बटोर रहे हैं। सीएम सुक्खू को जैसे ही पता चला कि गला कटने से एक व्यक्ति की सांसें टूट रही हैं, तो उन्होंने बिना देर किए अपना हेलीकॉप्टर मरीज की जान बचाने के लिए भेज दिया, जो सत्ता के गलियारों से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की संवेदना का एक और उदाहरण बन गया है। दरअसल इस समय हिमाचल के जनजातीय जिला चंबा का दुर्गम इलाका पांगी भारी बर्फबारी से शेष दुनिया से कटा हुआ है। इसी इलाके के एक गांव धरवास का एक व्यक्ति देवेंद्र अपने घर का काम करते हुए गिर पड़ा, जिसके कारण घर के बाहर लगी लोहे की चादर से उसका गला कट गया और उसकी सांस की नली कट गई, जिसके बाद देवेंद्र को किलाड़ अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे IGMC शिमला रेफर करने की सलाह दी। लेकिन अब समस्या ये थी कि टांडा के लिए सड़क मार्ग बर्फबारी के कारण बंद था, ऐसे में हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई। इसी बीच IGMC अस्पताल के पूर्व MS और भरमौर के विधायक डॉक्टर जनकराज को भी इस घटना की सूचना मिली। उन्होंने मरीज के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली और निजी तौर पर CM सुखविंदर सिंह से आग्रह किया कि मरीज को एयरलिफ्ट किए जाने की जरूरत है। फिर क्या था, मुख्यमंत्री ने आपात स्थिति को देखते हुए प्रशासन को उसी वक्त हेलीकॉप्टर से मरीज को एयरलिफ्ट करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अस्पताल प्रशासन को मरीज को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने को भी कहा। CM ऑफिस से जारी बयान में दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री ने अपना दौरा रद्द कर मरीज को एयरलिफ्ट करवाया है। अब मरीज स्वास्थ्य लाभ ले रहा है, उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।